18 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 दिन के अंदर ही आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर के वार्ड क्रमांक 4 से है, जहां पर मंगलवार की देर रात 18 वर्षीय युवक गोलू कुशवाहा की हत्या के मामले में बैरार थाना पुलिस ने 3 दिन के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने से सफलता हासिल की है। जानकारी के लिए, ये हत्या की 22/4/2023 की बीती रात की है, जहाँ पर दोनों आरोपी गोलू उर्फ विशाल कुशवाहा और अमन कुशवाहा ने उनके परिवार की एक महिला के साथ चल रहे मृतक गोलू कुशवाहा के अवैध संबंधों के शक पर मृतक की बेरहमी से मारपीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद मृतक गोलू कुशवाहा ने उपचार के दौरान ही ग्वालियर के JH अस्पताल में दम तोड़ दिया था, जिसके बाद बैराड़ पुलिस ने अस्पताल से मर्ग डायरी आने के बाद ही मामले में इजाफा धारा 302 की कायमी कर आरोपियों के सहगर्मी से तलाश शुरू कर दी है, जिसके बाद बैराड़ थाना पुलिस को मुखबरी से सूचना मिलने पर आरोपी गोलू उर्फ विशाल कुशवाहा को कोलारस और आरोपी अमन कुशवाहा को कोटा राजस्थान से गिरफ्तार कर थाने लेकर आए। हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। नाम क्या है? आप थाने पे कैसे आए आज? वो लड़के का मर्डर हो गया थे, वो व्यापारी करवा आए। तो लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम गोलू था। तो किसने मारा था उन्हें? गोलू विशाल ने और अमन ने। गोलू विशाल अमन ने? तीन है? दो है, गोलू विशाल और अमन। मतलब गोलू का नाम ही विशाल है। तो आज थाने पर कैसे आए? वो सर हम ग्वालियर ले गए थे, पोस्टमार्टम हुआ था, अस्पताल में दम तोड़ दिए थी, और उसके बाद में अपन हमारे घर लाए थे। घर लाने के बाद पीएम रिपोर्ट आई है, तब 302 लगी हो और हम इनको गिरफ्तार करवाने आए। सर यो बदिरा में 18 वर्षीय युवक की हत्या हुई थी, उसमें हमने पुलिस की क्या कार्रवाई रही? भदेरा में दिनांक 22 तारीख को गोलू कुशवाहा ने थाना आकर रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसके साथ अमन कुशवाहा और गोलू पिता रामचंद्र कुशवाहा ने काफ़ी मारपीट करी थी, जिसकी रिपोर्ट पर धारा 458, 323, 254 IPC का अपराध पंजीकृत किया गया था। उसके बाद मेडिकल कराया फरियादी का, जो उसके बाद रेफर ग्वालियर हो गया था, जहाँ पर उसकी दिनांक इलाज दौरान 24 तारीख को मृत्यु हुई थी। इस संबंध में वहाँ से मर्ग डायरी प्राप्त की गई और रिकॉर्ड में धारा 302 का इजाफा किया गया और दोनों आरोपियों अमन कुशवाहा और गोलू पिता रामचंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ में बात सामने आई है कि गोलू कुशवाहा की पत्नी के साथ फरियादी बातचीत करता था, जो उसको पसंद नहीं था और कई बार उसको मना किया फिर भी नहीं माना, तो उसको सबक सिखाने के लिए दोनों ने अमन कुशवाहा और गोलू कुशवाहा ने उसको मारने का प्लान बनाया और पता चला कि वो उस दिन घर पर है, तो घर पर जाकर उसकी मारपीट कर दी, तो काफ़ी अधिक चोट लगने से उसकी मृत्यु हुई। तो दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पेश कर दिया? हाँ, दोनों आरोपियों को कल रात को ही गिरफ्तार किया गया और घटना में प्रयुक्त से जो भी हथियार थे जब्त किया गया और दोनों आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया।